तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात, एक छोटा सा प्रॉमिस आपसे करना चाहता हूं कि जब आप इस वीडियो को देखते हुए आराम से, जब आप इस वीडियो को एंड में पहुंचोगे, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपसे इस तरह के क्वेश्चन देखते ही बनेंगे, ये मेरा आपसे वादा है ना। करना क्या है, स्टार्टिंग में जो टाइम लगेगा वो लगेगा आपको कॉन्सेप्ट समझाने में, धीमे 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 चलने में, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराने में, है ना, और थोड़ी सी कैलकुलेशन करने में। लेकिन जब आप पहुंचोगे इस वीडियो के एंड में, मैं आपसे वादा करता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे देखते ही बन जाएंगे। क्लियर है ना? तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, माय नेम इज अभिषेक साहू एंड आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का सेकंड पार्ट। देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी बात यह है कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हुए थे उनमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानना काफी आसान था, लेकिन आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो होंगे हमारे सिमेट्रिक सर्किट के ऊपर, और इनमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानना आसान उतना नहीं होता। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैंने आपसे इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि भाई ये बताओ कि इसमें कौन सीरीज में है और कौन किसके पैरेलल है, तो सर थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, हो सकता है कि अगर ये जो रूल है इससे पहले ना पढ़ा हो तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो। क्लियर है? तो देखो सिंपल सी बात है, जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं वो तो शायद पहली बार ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, अगर मैं इस क्वेश्चन में भी पूछ लूं आपसे तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि इसके अंदर भी प्रॉब्लम हो जाए, है ना, कि ये क्वेश्चन भी अपन को थोड़ा सा समझने में टफ लगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह दिया कि ये बताओ कि इसमें बता दो कि कौन किसके पैरेलल है और कौन किसकी सीरीज में है। ठीक है, ये हो गया टर्मिनल ए एंड बी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अब भी मुश्किल नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, मुश्किल नजर आ रहा है। तो इन क्वेश्चंस को हम सिमेट्री मेथड की हेल्प से बहुत बहुत ज्यादा आसानी से विद इन अ मिनट हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ये भी है ना, ये भी, और उससे कॉम्प्लेक्स भी आराम से और बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे, आपको किसी भी तरह की टेंशन और प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले, सबसे जरूरी बात मैं आपको बताऊं कि जो बेसिक रूल है ना, बेसिक रूल, बस उन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, जैसे कि जो हमारा कॉमन सेंस होता है ना, जिस जो हमारा कॉमन लॉजिक है ना, उस पर हमें ध्यान देना है। आपसे कोई नहीं कहेगा कि आपने कौन सा मेथड लगाया सॉल्व करने के लिए, उन्हें बस आंसर चाहिए कॉम्पिटिशन में, बोर्ड एग्जाम में आंसर का, मतलब ऐसे नहीं कुछ भी, कुछ भी नहीं है ना, जो आप लॉजिक लगाओगे आपका लॉजिक एकदम सही होगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम पहली सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी होगी ना, वो प्रायोरिटी होगी कि हम कॉमन सेंस लगा के चीज़ों को समझें, लेकिन हमें आना जरूरी है कौन कौन सा मेथड, जो दोनों मेथड होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं मिरर सिमेट्री। देखो इनसे, इन दोनों मेथड से ही अपना कॉमन सेंस बनता है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि बार बार जो आपने पहला प्रोसेस, जो पहले क्वेश्चन में जो प्रोसीजर जो है आपने यूज किया, फिर वही प्रोसीजर आप सेकंड क्वेश्चन में भी करोगे, फिर धीरे 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 हम हमारी ये प्रैक्टिस हो जाती है और हम डायरेक्ट सिमेट्री लगाना सीख जाते हैं, उसी चीज को हम बोलते हैं लॉजिक लगा दिया। ठीक है ना, देखो तो हमने कहा कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी क्वेश्चन में देखूं, लेट्स से अगर मैं इस क्वेश्चन की बात अगर कर रहा हूं, तो मुझे जो स्ट्रक्चर, दो तरह की सिमेट्री मैं बता सकता हूं। जैसे मान लो कि मेरे टर्मिनल ए और बी ऐसे हैं, ठीक है, तो अगर मैं टर्मिनल के परपेंडिकुलरली अपना हाथ रख लूं, मेरा हाथ मान लो आप ये एक्सिस है, टर्मिनल के परपेंडिकुलर अगर मैं अपना हाथ रख दूं तो मुझे समझ आएगा कि लेफ्ट वाला पोर्शन और राइट वाला पोर्शन एज इट इज सेम है। अच्छा, एक चीज और, वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए, वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो सबकी वैल्यू आर आर हो गई, अगर वैल्यू सेम नहीं होगी तो फिर कैसे सिमेट्री बोल सकते हैं। सिमेट्री का मतलब हू बहू एक जैसा, हू बहू एक जैसा। ठीक है ना, एक जैसा। तो देखो ये आर, तो फिर ये भी आर होना चाहिए, अगर ये आर है तो फिर ये भी आर होना चाहिए, तभी तो काम चलेगा। जैसे मान लो अगर मैं बात कर रहा हूँ इस तरह से, मैंने क्या देखा, बोला ये वाली एक्सिस, तो ये आर तो फिर ये भी आर, ये आर तो ये भी आर। क्लियर है? तो देखो, तो वो सिमेट्री जो टर्मिनल्स के परपेंडिकुलरली देखी जाती है, देखो वो, देखो ये सिमेट्री, जैसे मान लो मैंने कहा टर्मिनल ऐसे हैं, ठीक है, और मैं सिमेट्री देख रहा हूं लेफ्ट और राइट की, तो हमारी जो सिमेट्रिक एक्सिस हो गई वो कौन सी हो गई, ये हो गई परपेंडिकुलर। तो क्या याद रखोगे, मतलब मिरर सिमेट्री में जो हमारी एक्सिस होती है, मिरर सिमेट्री में जो मिरर एक्सिस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टू द टर्मिनल, परपेंडिकुलर टू द टर्मिनल्स। क्लियर? नाउ अब एक छोटी सी बात याद रखो, दूसरी सिमेट्री जो हम यूज करते हैं वो होती है आपकी फोल्डिंग सिमेट्री। नोट करते चलना, दूसरी सिमेट्री जो हम यूज करते हैं वो होती है हमारी फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री को हम पैरेलल सिमेट्री के नाम से भी जानते हैं, पैरेलल सिमेट्री। बोला आप तो, हमें नाम तो समझ में आ गया, पैरेलल सिमेट्री।
तो अब हमें थोड़ा सा आसान नजर आ रहा है। देखो ध्यान देना, फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब है कि हम उस चीज को जो हमारा स्ट्रक्चर उसको फोल्ड कर सकें, और हमेशा जो फोल्ड करने का जो तरीका होगा वो कुछ उस तरह से होगा कि हमारी जो एक्सिस होगी टर्मिनल के पैरेलल, या फिर मैं कहूँ टर्मिनल की डायरेक्शन में होगी। टर्मिनल हमारे हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, तो हम जो एक्सिस यूज करेंगे फोल्डिंग सिमेट्री में सिमेट्री चेक करने के लिए, वो टर्मिनल की जो एक्सिस होगी उसी एक्सिस को हम मानेंगे। जैसे मान लो मैंने कहा ए बी, और मैंने जो एक्सिस ली अपनी वो है ये, तो डाउन वाला और अप वाला जो पोर्शन है, नीचे ऊपर वाला जो पोर्शन है, वो दोनों सेम नजर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि फोल्डिंग सिमेट्री में जो एक्सिस हम कंसीडर करते हैं वो टर्मिनल के पैरेलल होती है। अच्छा, पैरेलल इसलिए नाम नहीं देते कि सिमेट्री टर्मिनल के पैरेलल होती है, आप ऐसे लिखो कि एक्सिस शुड बी अलोंग द टर्मिनल, एक्सिस शुड बी अलोंग द टर्मिनल, अलोंग द टर्मिनल। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, ये तो हम हमेशा वैसे भी याद रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ मैं अब आपसे जो बात कहने वाला हूं अब आप उसको ध्यान रखोगे, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात यह है कि लॉजिक हमारा क्या कहता है। अभी तक हमने कुछ बातें पढ़ी कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस, अगर कोई भी करंट, जैसे मान लो मेरे पास ये एक इस तरह से एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा होने वाला है अपना, ठीक है ना। नाउ ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, ठीक है। लॉजिक की बात करते हैं पहले, किसकी बात करते हैं, लॉजिक की, उसके बाद आपको दोनों चीज़ समझाते हैं। मान लो मैंने कहा ये पॉजिटिव है मेरे पास और ये मेरे पास नेगेटिव है, तो करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। अब सोचने की कोशिश करो, मैंने कहा ये सारी रेजिस्टेंसेज हैं आर, ये सारी रेजिस्टेंसेज हैं आर। हमारा लॉजिक क्या कहता है कि अगर कोई सेम करंट, अगर कोई करंट जैसे मान लो कि यहां से 2 एम्पियर करंट इस आर रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, तो करंट जब रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो पोटेंशियल में चेंज आता है, ठीक है। तो यहां से लेट से यहां पे लेट से मान लो कि 100 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है। अब यहां से जब करंट ने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो यहां पर कुछ पोटेंशियल हो जाएगा, लेट से 80 हो गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है, दोनों में क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है दोनों में सेम करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। अब देखो तो ये यहां से जब ये करंट भी फ्लो करेगा, जैसे मान लो यहां से 5 एम्पियर करंट गया, उसने आर एस में क्रॉस किया तो 80 वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल आ गया, यहां से 5 एम्पियर करंट गया उसने भी आर को क्रॉस किया, दोनों ने सेम रुकावट क्रॉस किया तो यहां पे भी 80 वोल्ट पोटेंशियल हो गया। तो अब मुझे ये बताओ कि ये दोनों पॉइंट अगर सेम पोटेंशियल पर हैं तो क्या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे करंट फ्लो होगा, नहीं ना, है ना। भले ही ये ब्रांच यहां पर बनी हुई है, भले ये रेजिस्टेंस यहां पे लगी हुई है, लेकिन इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस ही नहीं है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो ये वाली ब्रांच हमारी वैसे खत्म हो गई ना। अब इसी तरह से अगर कह दिया जाए, बोला मिरर सिमिट्री है, क्या है, बोला मिरर सिमेट्री। अब देखना तो सुनो, तो हमने पहली बात नोट करो कि ये वाली ब्रांच तो हमने पोटेंशियल टेक्निक यूज करके इसको बता दिया कि ये खत्म है, इसमें कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं। ये वाली ब्रांच हमने कैसे बता दी कि इसमें कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि जो है ना दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। अब इसी लॉजिक को यूज करके हम एक रूल बना देते हैं, इसी लॉजिक को यूज करके हम एक रूल बना देते हैं। बोला क्या कि मिरर एक्सिस पर यदि कोई रेजिस्टेंस है, मिरर एक्सिस पर यदि कोई रेजिस्टेंस है तो उन रेजिस्टेंस को हम जीरो कर देते हैं, यानी कि उस रेजिस्टेंस में, ऐसा बोलूं कि उस रेजिस्टेंस को हम कैंसिल ही कर देते हैं। क्या बोल देते हैं कि वो रेजिस्टेंस क्या है, अनइफेक्टिव है, इनइफेक्टिव है। क्लियर इतनी बात। तो ये हमारा जो पोटेंशियल टेक्निक थी, पोटेंशियल रूल था, वहां से हमने जो है ना समझा कि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। और जब हमने बात की मिरर सिमिट्री की तो हम डायरेक्ट ही कह देते हैं कि मिरर एक्सिस पर यदि कोई रेजिस्टेंस है तो हम जो है ना उस रेजिस्टेंस को इनइफेक्टिव बता देते हैं, ठीक है ना। तो बात सारी की सारी कॉमन सेंस ही स्टार्ट होती है, और चीज़ों को बार बार चेक ना करना पड़े तो हमने उनके लिए रूल बना देते हैं, और वो रूल ये है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो अपना पोटेंशियल का एक बहुत छोटा सा रूल हुआ कि अगर सेम करंट सेम रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तो दोनों पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सेम हो जाएगी, पोटेंशियल चेंज की वैल्यू सेम हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात आप यहाँ पे नोट करो, एक जरूरी बात यहां पे नोट करने की यह है कि हम इस चीज को जानते हैं, आप इस चीज को बहुत अच्छे समझते हो कि अगर दो, जैसे मान लो मैंने कहा
मैंने कहा कि भाई ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। अब इस ए बी के अक्रॉस ये रेजिस्टेंस लगी हुई है कितनी भाई, जैसे मान लो कोई भी रेजिस्टेंस है 5 ओम, ठीक है। अब ए बी के अक्रॉस ही दूसरी रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है, ए बी के अक्रॉस ही तीसरी रेजिस्टेंस लगी हुई है, है ना। तो ये तीनों रेजिस्टेंस कितनी हो गई, ये तीनों रेजिस्टेंस किस में हो गई, पैरेलल में। तो पैरेलल का एक रूल क्या होता है कि कोई भी रेजिस्टेंस कॉमन टर्मिनल के बीच में है तो वो पैरेलल हो जाएंगी, ये तो रूल है कि कोई भी रेजिस्टेंस कॉमन टर्मिनल के बीच में है तो वो पैरेलल हो जाएंगे। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास ये रहा ए, और ए और पी के बीच में, ए और पी के बीच में एक रेजिस्टेंस है। अब ए और पी के बीच में अगर मुझे रेजिस्टेंस लगानी है एक और, तो पैरेलल ही तो होगी इसकी, इसकी पैरेलल होगी ना। तो ये बात अपन को याद रखनी, बोला सर ये तो बहुत छोटी सी बात थी ना, इसको बताने की क्या जरूरत थी। अब देखो जरूरत पड़ सकती है और जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सी बात करते हैं आपसे कि अगर इस क्वेश्चन को हम लें, इस क्वेश्चन को अगर हम लें तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये सारे के सारे रूल्स थे, अब रूल्स के बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इनको अभी तक आपने मेरी बात को बहुत अच्छे सुना होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पे आते हैं और पहला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को लेते हैं, बहुत सिंपल, और आपको दोनों सिमेट्री बताएंगे, दोनों मेथड बताएंगे। अब आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन लिखो, यही वाला जो हमने बताया आपको कि फर्स्ट क्वेश्चन इसको कंसीडर करो कि लेट से ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, दोनों सिमेट्री में अप्लाई करेंगे। देखो सबसे पहले एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जरूरी होता है, क्यों जरूरी होता है, ताकि हम इससे आसानी से चीज़ों को समझ जाएं, और आपको क्वेश्चन काफ़ी सारे हम कराने वाले हैं, ठीक है ना, तो आप खुद ही रूल अप्लाई कर लोगे। चलो ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है, ये मैंने कहा इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है, इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है, दैट मीन्स ये टर्मिनल है बैटरी के, यहाँ पे कहीं बैटरी लगी होगी, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हमने कहा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, सबकी रेजिस्टेंस है आर 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 आर, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे कह दूं कि आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है मिरर सिमेट्री, क्या लगाना है, मिरर सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री क्या कहती है, तो भाई देखो मुझसे मिरर सिमेट्री को समझो कि मिरर सिमेट्री क्या कहती है। लेट्स से मैंने कहा कि मैंने यहां पे मिरर एक्सिस कंसीडर की, अब आपको समझ में आएगा मिरर एक्सिस कैसे लेना है, टर्मिनल ऐसे हैं तो मिरर एक्सिस ऐसे होगी, ठीक है। तो पहले सुनो मिरर एक्सिस को, फिर बाद में हम जो जानते हैं उस पे आते हैं। मिरर एक्सिस ये कहती है कि भाई अगर मैं यहाँ पर जो है ना, मिरर सिमेट्री कहती है कि अगर मैंने यहाँ पर मिरर रख दिया, मेरे हाथ को देखो, अगर मैंने यहाँ पे मिरर रख दिया तो लेफ्ट वाले की जो इमेज बनेगी वो इस साइड एज इट इज बनेगी, मिरर के अंदर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँ तो मेरी जो इमेज है, जैसे मान लो मैंने फेस इस साइड किया हुआ है, ठीक है, तो मिरर में कैसे फेस दिखेगा मेरा, इस साइड को, क्लियर है इतनी। तो देखो जो रेजिस्टेंस यहाँ पर है मिरर में, वही रेजिस्टेंस मुझे यहाँ दिखेगी, जो यहाँ पर है मिरर में वही रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिखेगी। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से करंट अगर आया मेरे पास कितना, यहाँ से करंट आया मेरे पास ये गया I1, कितना I1, तो मिरर में ये वाली जो ब्रांच होगी मुझे उसमें कितना करंट दिखेगा, I1, कितना करंट दिखेगा, I1। ये कॉमन सेंस की बात है कि पॉजिटिव से निकल रहा तो करंट की डायरेक्शन यही होगी, ठीक है ना, नहीं बोला ऊपर ही लगा दें सर क्या, ठीक है ना, नहीं है ना, कि ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो करंट तो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है, तो हमने डायरेक्शन जो है ना देख के समझ के लगाएंगे, क्लियर है ना। अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है मेरा I2, तो इसमें भी कितना करंट दिखेगा मुझे मिरर में, ये दिखेगा मुझे I2, क्लियर है इतनी बात। तो देखो सिंपल सी बात मुझे क्या समझ में आई, मिरर एक्सिस से मुझे, और देखो मिरर एक्सिस पर जो भी लाइन हमने, मिरर एक्सिस पर जो भी रेजिस्टेंसेस हैं वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब आपको सारी बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब देखो तो सिंपल सी बात, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को हटा दूं, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को हटा दूं तो मुझे जो है ना कुछ इस तरह के सर्किट दिखाई देगी कि यहाँ पे देखो इन दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है और इन दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या मुझे ये दोनों सीरीज में दिखाई नहीं दे रही, ऊपर वाली देखो मिरर एक्सिस से अगर मैं देख रहा हूं तो क्या मुझे ये सीरीज में दिखाई दे रही है, बोला सर दिखाई दे रही है, तो मैं इनको ऐसे बना सकता हूं, चलो ये मैंने इनको ऐसे बना दिया। अच्छा देखो ये इस तरह से, ठीक है नाउ ये आर और आर सीरीज में तो कितना हो जाएगा 2R, ये R और R सीरीज में तो कितना हो जाएगा 2R, इन दोनों, अब ये दोनों पैरेलल में, तो टोटल जो रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, R इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, R स्मॉल R, रेजिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल R। इसी चीज़ को देखो सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन करा रहे हो आप, पहले आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को अगर मैं फोल्डिंग सिमेट्री से करता हूँ तब क्या होगी बात, इसी चीज़ को अगर मैं फोल्डिंग सिमेट्री से करता हूँ तब क्या होगा, ठीक है। अब मैं इसको बना लेता हूँ यहाँ पे,
देखो एक बार, फोल्डिंग सिमिट्री से हमें देखो जो रूल्स को अगर समझना है तो पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन करना पड़ेगा, तब जाके जो है ना चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। ठीक है ना, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर। क्लियर है तेरी बात ना। तो फोल्डिंग सिमिट्री से अगर मैं इसको करना चाहता हूं तो बहुत सिंपल से काम मुझे करना है, बहुत सिंपल सा काम मुझे करना पड़ेगा। तो सर क्या काम कर लें? तो आप एक काम कर लो, फोल्डिंग सिमेट्री से मुझे करना है ना। हाँ जी, तो एक्सिस मेरी ये होगी, ये मेरी एक्सिस होगी। अब मैं इसको एकदम फोल्ड कर दूं, क्या कर दूं? फोल्ड कर दूं। अगर मैं इसको फोल्ड कर दूंगा तो मैं देखूंगा कि ये आर, देखो अगर मैं इसको फोल्ड कर दूंगा, लेट्स से इस पॉइंट का पोटेंशियल है पी। ठीक है, देखो चीजों को समझने की कोशिश करना, मैं भी आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं, अब इसको दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा। ठीक है, इस पॉइंट का ए, इस पॉइंट का पोटेंशियल है पी और यहां का है बी। ठीक है, मैंने क्या किया, फोल्डिंग सिमेट्री लगाने के लिए देखो अगर मैं इसको फोल्ड कर दूंगा तो ये आर इसके ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, देखो इस पॉइंट का ये जो है ना, ये वाला पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट पी पोटेंशियल पहुंच जाएगा। अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये पी यहां पे लिखा हुआ है, फोल्ड कर दिया मैंने और ये समोसे के जैसा बन जाएगा, और ये जो जो कुछ भी है ना यहाँ पे, इसका पोटेंशियल भी पी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो मैंने लिख दिया कि इसका पोटेंशियल पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप देखो सिंपल सी बात है ना कि अगर इसका पोटेंशियल भी पी के बराबर हो जाएगा तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। बात समझ में आ पा रही है? एक बार फिर सुनो, अगर मैं इसको फोल्ड कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस पहले से थी आर। ठीक है, अब मैंने इसको फोल्ड किया, अच्छा ये लिखा था पी, ठीक है, और ये देखो ऐसे, और ये लिखा है बी। क्लियर? अब देखो ये अगर मैंने इसको फोल्ड कर दिया, अगर मैंने, मुझे नहीं पता नीचे क्या था, मैंने इसको फोल्ड किया तो ये जो रेजिस्टेंस है ये इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक ऊपर हो जाएगी, और ये जो पॉइंट है ये नीचे वाला कॉर्नर ऊपर आ गया। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से इसके ऊपर आ जाएगी, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, और ये देखो नीचे हवा में लटका दिखेगा, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि फोल्ड कर दूंगा, फोल्ड कर दूंगा तो ये थी आर ऊपर वाली, ये वाली और ये वाली आर, ये आर और ये वाली आर। तो ये देखो ये ए और पी, ए और पी के बीच में कितनी टर्मिनल हैं? बोला दो टर्मिनल हैं। यहां से जो करंट जाएगा वो दोनों पैरेलल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। हाँ जी, तो क्या बोलोगे? तो आप ऐसा बोलना कि ये दोनों टर्मिनल किसमें हैं भाई? ये दोनों पैरेलल हैं। देखो ध्यान से, ये देखो आर और आर का कॉम्बिनेशन अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, टेंशन मतलब सिंपल चीज भी बता रहा हूं, आर और आर का कॉम्बिनेशन निकालोगे पैरेलल में तो कितना, देखो कॉमन टर्मिनल के बीच में ना दोनों आर, तो दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आर बाय टू। ठीक है, अब देखो ये एकदम, इसके बाद करंट आपका सीरीज में फ्लो होगा, इसके बाद फिर देखो आर और आर का आर बाई टू, तो ये कितना हो गया भाई, इन दोनों का जो रेजिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई, आर आ गई। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो पा रही है? चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों एक ही बात है। लेकिन अब आपको बताने के लिए, चीजों सिंपल करने के लिए, आप तो हमेशा याद रखना कि फोल्डिंग जब भी की जाएगी रेजिस्टेंसेस हमेशा एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंसेस हमेशा एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। नाउ इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि जैसे मान लो मैंने कहा कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है पी, तो यहां से अगर ए, ये भी पॉइंट ए है तो सेम करंट पास करेगा तो ये भी हो जाएगा पी। ठीक है ना, तो मुझे सिंपली वैसे भी समझ में आ रहा है कि ये हो गया मेरे पास ए और ये हो गया पी और ये हो गया बी। अब देखो ए और पी के बीच में, ए और पी के बीच में कितनी रेजिस्टेंस है? बोला दो। एक रेजिस्टेंस हो गई ये और एक रेजिस्टेंस हो गई ये। इसके बाद पी और बी के बीच में देखो, पी और बी के बीच में देखो, एक रेजिस्टेंस हो गई ये, एक रेजिस्टेंस हो गई ये। क्लियर है? अब मैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूं, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, तो यहां से अपना बन गया कितना, आर बाय टू। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना, बोला आर बाय टू। ठीक है, इसके बाद ये रही सीधी लाइन और ये इसके बाद फिर से कॉम्बिनेशन क्या, आर बाई टू। तो ये देखते ही सॉल्व हो जाएगा, इसमें अपन को दिमाग लगाना कितना हो जाएगा ये आर। तो आप कैसे भी करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोल्डिंग से करोगे तो आप जो है ना नीचे वाली ऊपर वाली को हमेशा पैरेलल ले लेना और आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, मिरर एक्सिस से करोगे तब भी सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते बोला सर, अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। इसमें देखो चीजें क्या होंगी, पहले लगाएंगे लॉजिक, लॉजिक से बताएंगे, फिर उसी चीज को मिरर से समझ लेंगे और फिर उसी चीज को फोल्डिंग से समझ लेंगे, तो सारे काम आपके जो है ना एकदम आसानी से हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इस तरह से बना देते हैं इसको, ये रहा एक, ये हो गया, ये देखो। ठीक है, अब देखो ये ए और ये बी। नाउ
देखो ध्यान से ए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में समझना, सारी रेजिस्टेंसेज आर हैं, सारी रेजिस्टेंसेज आर हैं, आर 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 आर, क्लियर है। अब इसको देखो, बात को ध्यान समझो, मैंने कहा आपसे कि ये सारे रेजिस्टेंस आर हैं, ठीक है। अगर मैं कॉमन सेंस लगाता हूँ, पहले क्या लगाता हूँ, पहले कॉमन सेंस से इसको निपटाएंगे, फिर सिमेट्री से इसको एक सेम चीज प्रूव करेंगे, और फिर फोल्डिंग से, इसके बाद हम सारे क्वेश्चन में अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, हमें फिर मेथड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। नाउ अब देखो, ठीक है, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, मैंने कहा ये पॉइंट है अगर ए, ठीक है, तो देखो यहां के बाद ये पॉइंट है बी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर कोई करंट आई वन, अगर कोई करंट आई वन यहां से फ्लो होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया पी। इस I1 ने कितना करंट, जैसे मान लो जो भी करंट फ्लो होगा, ये देखो तीनों के रेजिस्टेंस सेम है ना, तो देखो R R R, तो तीनों ब्रांच में इसमें इसमें और इसमें सेम करंट फ्लो होगा, सेम करंट तीनों बार सेम रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, ये भी R को क्रॉस करेगा, ये भी R को, ये भी R को, तो दोनों के बाद देखो इस पर इसका पोटेंशियल क्या होगा P, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये भी करंट भी किसको क्रॉस करेगा R को, है ना, इसका पोटेंशियल P, ये करंट भी किसको क्रॉस करेगा R को, तो इसका पोटेंशियल P। तो अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, हाँ जी, अब हमें ये समझ में आ रहा है कि P P P, दैट मीन्स कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो ये वाली रेजिस्टेंस ही इनफेक्टिव है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल का कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो कोई ये वाली रेजिस्टेंस भी अब क्या है, बोला कैंसिल हो गई। तो इसका मतलब कॉमन सेंस से हमें ये समझ में आता है कि इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस नहीं है, वो एकदम अनइफेक्टिव रेजिस्टेंस है, उसका कोई काम नहीं है। अब देखो ये आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा, आसानी से जो कॉमन सेंस हमारा कहता है उससे ही सॉल्व हो जाएगा। देखो एक दो और ये तीन रेजिस्टेंस, अब देखो सॉल्व कर दें इसको आसानी से, ये आर और आर सीरीज में, देखो आई वन इन दोनों से फ्लो होगा, तो देखो यहां से आर और आर सीरीज में ये हो गया टू आर, ठीक है, यहां से ये आपका आर और आर सीरीज, आर और आर सीरीज में ये कितना हो जाएगा 2R, और यहाँ से आर और आर सीरीज में ये कितना हो जाएगा 2R, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब 2R 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 तो कितना हो जाएगा आपका 2R बाय 3, कितना हो जाएगा 2R बाय 3, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको समझ में आई कितनी हो गई 2R बाय 3, क्लियर है, बहुत आसानी से हो गया नहीं हो गया। अब इसी चीज को अगर हम प्रूव करना चाहें किससे, मिरर सिमेट्री से, किससे प्रूव करना चाहें, मिरर सिमेट्री से, तो मिरर सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, फिर से एक बार देखो इसको, है ना, और इसी को फोल्डिंग से करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, एक बार फिर से देखो, लेट से मेरे पास ये फिर से बना दिया मैंने, ये देखो नाउ, पहली चीज मुझे ध्यान देनी है, लेट से मेरे पास ये ए है और ये मेरे पास बी है, मिरर एक्सिस में हमने एक रूल पढ़ लिया, क्या जैसे ही मिरर एक्सिस लगानी है, पहली चीज तो ये देखो कि सबकी वैल्यू अगर आर 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 आर, ये भी मेरे पास एक रेजिस्टेंस है आर 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 आर, ठीक है, टर्मिनल ये है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ये होगी मिरर एक्सिस, यहां का पोर्शन सेम दिखाई देगा, तो अगर इसके अंदर, अगर इसके अंदर करंट फ्लो हुआ I1, इसके अंदर करंट फ्लो हुआ I1, तो फिर इसके अंदर भी कितना करंट फ्लो होगा I1, ठीक है, अगर इसके अंदर करंट फ्लो हुआ R, तो फिर इसके अंदर भी कितना करंट फ्लो होगा, सॉरी, इसके अंदर करंट अगर I2, तो इसके अंदर भी करंट I2, क्लियर है, इसके अंदर अगर करंट होगा I3, तो इसके अंदर भी करंट होगा I3, और मिरर एक्सिस में हम जानते हैं, मिरर एक्सिस में हम जानते हैं कि ये जो है ये वाली रेजिस्टेंस, जिस मिरर एक्सिस पे जो जितनी भी रेजिस्टेंस होगी वो सारी की सारी इनफेक्ट हो जाएंगी। अब देखो आप फिर से सेम सॉल्व कर लेना, ये इस तरह से, ये एक, ये दो, ये तीन, ये अपने आप हो जाएगा, क्या आपको इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है ना। अब देखो इसी चीज को अगर मैं फोल्डिंग सिमेट्री से करता तो कैसे करता, फोल्डिंग सिमेट्री क्या कहती है, फोल्डिंग सिमेट्री को एक बार ध्यान से सुनना और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये एक बार फिर से बनाते हैं, ये फोल्डिंग सिमेट्री से कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। नाउ ये देखो, देखो ये ए ये बी, फोल्डिंग सिमेट्री क्या कहती है, फोल्डिंग सिमेट्री कहती है, देखो सिंपल सी बात है, फोल्डिंग में तो अब आप इतना याद रखोगे कि दोनों जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, जो दोनों दैट मींस जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी वो पैरेलल में होंगी, किस में होंगी, वो पैरेलल में होंगी। तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो रेजिस्टेंस है, मैं ओके ये देखो मैं आपसे ऐसा बोल सकता हूं कि भाई ये आर 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 ये आर, क्लियर। अब देखो फोल्डिंग सिमेट्री में मैंने कहा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है, इस पॉइंट का पोटेंशियल पी है, इस पॉइंट का पोटेंशियल पी हो गया, चलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना मान लें, इस पॉइंट का पोटेंशियल पी हो जाएगा, देखो पी ये पी,
अच्छा इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या मान लो, इस पॉइंट का ये भी देखो सेम रेजिस्टेंस में क्रॉस करेगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी हो गया पी। फोल्डिंग में क्या होता है, फोल्डिंग में ये होता है कि देखो ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो ये दोनों किस में हो जाएंगी, पैरेलल में। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूँ ये हो गया मेरे पास आर बाय टू। क्लियर है? अब देखो ये दोनों आपस में क्या है, बोला पैरेलल है, तो इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये आर पैरेलल में, तो ये हो गया आर बाय टू। क्लियर है? अब देखो ये दोनों किस में है, ये देखो ये अगर मैं इसको भी फोल्ड करूंगा इसके ऊपर, तो ये तो हवा में लटक जाएगी, ये तो हवा में लटक जाएगी ना, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, अब ऐसा करना है ये और ये चाहे मैं इसको फोल्ड कर दूं तब भी कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, ये तो ए से कनेक्ट थी और ये फिर से ए से कनेक्टेड मतलब बी से कनेक्टेड रहेगी। तो ये आर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इन दोनों कितना हो जाएगा, आर बाई टू ये हो गया आर, इन दोनों का कितना हो जाएगा, बोला ये हो गया अपना, हाँ जी ये हो गया टू आर। अब इसको सॉल्व कर लो ए और बी, है ना, तो कितना हो गया आपका 2R बाय 3। तो तीनों ही केसेस में हमारा आंसर कितना आने वाला है, हमारा आंसर सेम आने वाला है चाहे कुछ भी यूज करें। अब मैंने आपको दोनों प्रिंसिपल यूज करके दिखा दिए, अब हम करेंगे डायरेक्ट, है ना, खुद से ढूंढेंगे कि ये जो जंक्शन है वो खत्म है। जैसे मान लो हमने ये पता कर लिया, बोला ये एक्स सही नहीं, ये एक्स सही नहीं, तो अब हम खुद से डिसाइड कर लेंगे, दैट मीन्स कॉमन सेंस लगा के ढूंढ लेंगे ये एक्सिस है ही नहीं। इसमें आप एक सेकंड में बता दोगे ये एक्सिस है नहीं, ठीक है ना। चलिए तो इसको नोट करना है तो फास्ट नोट करो, नोट करना है इसको, वैसे नोट करने के लिए कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। आगे बढ़े, देखो देखो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को उठा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्लियर है? नाउ लेट्स से मान लो मेरे पास क्वेश्चन को जिस तरह से दे दिया गया, ये है एक क्वेश्चन, एक ये एक दूसरी रेजिस्टेंस है, इसको अच्छे से बना दें ये, ठीक है ना। ये एक मेरे पास तीसरी रेजिस्टेंस है कुछ इस तरह से, ये और ये एक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये टर्मिनल हो गया ए, ये टर्मिनल हो गया बी, और हर किसी की जो वैल्यू है लेट से वो हो गई अपनी आर आर आर। अच्छा कुछ ही वैल्यू दे सकते हैं हमें, हमें मतलब है इससे, मेन प्रिंसिपल से मतलब है, वैल्यू कुछ भी दे दिया है उसको अपन सॉल्व कर देंगे। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप इसको जो है ना कॉमन सेंस से सॉल्व करो, किससे, कॉमन सेंस से। तो पहले कॉमन सेंस लगाने से पहले आपको जो है ना, अभी हमने किसी भी जंक्शन को हटाया नहीं है, तो पहले आपको एक मेथड बता देते हैं, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पर मिरर सिमेट्री लगा के देखें, क्या मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री लगाएंगे तो हमारा टर्मिनल क्या, ये एक्सिस कौन सी हो जाएगी, तो एक्सिस हो गई हमारी ये मिरर एक्सिस। क्लियर है? अब देखो मिरर एक्सिस ऐसे में, और कोई भी रेजिस्टेंस इस पर नहीं आ रही, बोला सर ये टच कर रही ऐसे में नहीं आ रही ना, कोई भी रेजिस्टेंस वर्टिकल नहीं है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो मिरर क्या कहती है, मिरर सिमेट्री कहती है कि अगर इसमें करंट फ्लो हुआ, अच्छा देखो प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखो जैसे मान लो मैंने आपसे ऐसा कह दिया कि ये देखो ये रेजिस्टेंस इसके बीच में है, ये रेजिस्टेंस के बीच में, तो ऐसा मान सकते हैं कि R बाई टू इस साइड आ गई, R बाई टू इस साइड आ गई, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। देखो मान लो मैंने कहा कि भाई इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I1, ठीक है, तो मिरर में क्या दिखेगा कि इसके अंदर भी करंट फ्लो हो रहा है I1। क्लियर? अगर मिरर में इस ब्रांच के अंदर करंट फ्लो हो रहा है I2, तो फिर मिरर में क्या दिखेगा कि इस ब्रांच, ये इसकी ऑपोजिट है, इसके अंदर भी करंट कितना दिखेगा, बोला I2, ठीक है। यहां से देखना, बात समझ में आ रही है, अगर यहां पे करंट फ्लो हो रहा है I3, तो मिरर में क्या दिखेगा कि यहां पे भी कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच में I3, ठीक है। यहां पे करंट फ्लो हो रहा है I4, तो मिरर में क्या दिखेगा, यहां पे भी करंट फ्लो हो रहा है I4। बात को समझना, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है I3 और यहां पे करंट फ्लो हुआ I3 यहां पे, और पूरा का पूरा I3 करंट यहां चला गया, तो इसका मतलब है कि कोई भी करंट यहां से ऊपर नहीं गया। तो ये जो जंक्शन हमें दिखाया गया है, ये फ्रॉड जंक्शन है, ये फॉल्स जंक्शन है, ये फेक जंक्शन है ना। तभी तो I2 इसमें जा रहा है और I2 इसमें जा रहा है। तो इन क्वेश्चंस में जो जंक्शन हमें दिखाया जाएगा वो फेक जंक्शन होता है। कैसा होता है, फेक जंक्शन, फॉल्स जंक्शन, दो के बाद, है ना, आप उसको कुछ भी कह सकते हो। जैसे आप यहां पे भी देख सकते हो, यहां पे बताओ फॉल्स जंक्शन कौन सा है, देखो यहां पे दिखाओ, ये देखो यहां पे ये फॉल्स जंक्शन है, ये फॉल्स जंक्शन है। अब आप आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, देखो ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, ये पैरेलल दिख रहे हैं, ये सीरीज में, सब खत्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में दैट मींस अगर हमें किसी जंक्शन को जीरो करना है, दैट मींस अगर हमें किसी जंक्शन को हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई जल्दबाजी है, ठीक है। हमने कहा कि भाई ये रेजिस्टेंस है कोई भी,
एक बार फिर देख लो, ठीक है ना। चलो ये देखो, ध्यान से देखो, दोनों मेथड आपको एक बार बताते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस लगा भी दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों मेथड आपको बता देते हैं, इसको भी सिमिट्री जो है आपका फोल्डिंग से और सिमिट्री दोनों से, क्लियर है। अब देखो आप इन दोनों को किस तरह से अलग अलग तरीके से सॉल्व कर पाओगे, क्लियर है। अब देखो मैंने आपसे कह दिया कि भाई ये 5 ओम, ये आपका 10 ओम, ये आपका 10 ओम, ये आपका 10 ओम, और ये आपका 10 ओम, और ये आपका 5 ओम, क्लियर है। इस चीज को समझने की कोशिश करना, इस चीज को समझने की कोशिश करना कि अगर मैंने आपसे कह दिया कि यहां पे देखो, अगर मैंने यहां पे मिरर एक्सेस लगा दी, मिरर लगा दूंगा, जैसे मान लो मैंने यहां पे इसके अबाउट मिरर लगा दिया, तो इस 10 ओम में अगर मुझे I2 ज्यादा दिखेगा तो इस 10 ओम में भी मुझे क्या दिखेगा, I2, क्योंकि मिरर का मतलब क्या है, सेम। अगर इस ब्रांच में I2 तो फिर मिरर में मुझे इस ब्रांच में I2 दिखेगा, इसी की कॉपी दिखेगी ना इस साइड, ठीक है ना। नाउ अब देखो यहां पर क्या होगा कि अगर मैं आपसे कह दूं कि इसमें फ्लो हो रहा है I3, तो उसमें भी फ्लो होता दिखेगा मुझे I3। अब थोड़ा दिमाग लगाओ ना कि I2 पूरा का पूरा यहां चला गया, I3 पूरा का पूरा यहां चला गया, तो ये बेवकूफ नहीं बना रहा है अपन को, बना रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये बेवकूफबाज है, ये धोखेबाज है ना, ये मूर्ख है जो हमें मूर्ख समझ रहा है, क्लियर है। तो अब ये जंक्शन है नहीं, अब आप इसको आसानी सॉल्व। अब देखो मिरर सिमेट्री से किस तरह से आपका आंसर होगा, और आप अगर इसी चीज को फोल्डिंग सिमेट्री से करोगे तो कैसे कर पाओगे, दोनों बता देते हैं आपको, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप बोला सर कॉमन सेंस तो आपने बताया नहीं, तो कॉमन सेंस हमारा बस इतना कहता है कि ये जो है ना, ये टर्मिनल हम इसको देख के जीरो कर देंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक है ना। हमें इसको देखते ही जीरो कर देना, जैसे हमने इसको देख लिया, इन सारी चीज इन मेथड को करते करते हमारा कॉमन सेंस डेवलप हो जाता है, हमने इसको देखते ही जीरो कर दिया, आने वाले क्वेश्चन में देखते ही जीरो कर देंगे, किसको जीरो करना है ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिरर सिमेट्री से हमने इसको, इस जंक्शन को हटा दिया, अब हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, अब आप देख लो। बोला ये 5, ये 5, ये दोनों, अब I2 दोनों से फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, 10 + 10 20 हो गया, ये 5 है। I3 इसमें से जा रहा है, ये देखो ये 10 और 10 दोनों में से I3 जा रहा है, तो 10 10 20 हो गया, ठीक है। ये देखो ये नीचे वाला 5, तो अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो अब आपको बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, अब आप इसको खुद से कर लेना, हम आपको डायरेक्ट बता दें, 20 20 पैरेलल में है तो कितना आ जाएगा, बोला 10, ठीक है। ये ऊपर 5 और ये ऊपर 5 5, और आपका जो है ना 10, और ये है आपका 5, ठीक है। इनको सॉल्व करना कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 10 हो गया, हाँ जी, ये आपका 5 है, ये आपका 5 है, ठीक है। तो 1/, ऐसे कर लो इसको, 1/5 + 1/10 + 1/5, तो ये आपका हो गया आपका 10 2 + 1 + 2, हाँ जी, तो 2 ओम आंसर आ गया आपका, कितना आ गया 2 ओम। तो 5/10, ये 1/r इज इक्वल टू 1/2, तो आपकी r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ओम, क्लियर इतनी बात। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओम। अगर सेम क्वेश्चन को हम किससे करते, मिरर सिमेट्री से नोट करना है तो उसको फास्ट कर लो, मिरर सिमेट्री से आप इसको करोगे, ये जो डायग्राम है मिरर सिमेट्री से करोगे तो ऐसा बनेगा, लेकिन अगर इसी चीज को आप सॉल्व करोगे फोल्डिंग सिमेट्री से तो आपका किस तरह से होने वाला है, एक बार इसको देख लो, फोल्डिंग सिमेट्री से किस तरह से होगा। देखो सिंपल सी बात है, इसको एक बार फिर बना देते हैं, ये I3 Y3 हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया था, अगर मैं इस चीज़ को करना चाहता हूँ फोल्डिंग सिमेट्री से, तो फोल्डिंग सिमेट्री से तो मुझसे, फोल्डिंग सिमेट्री मुझसे बस एक ही बात कहना चाहती है, क्या कहती है कि जो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे उनको पैरेलल में लेके आओ। ये 10 और 10 आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, इनको पैरेलल में लेके आओ, ये देखो 10 ये 10, क्लियर है, समझ, भूल मत जाना। अगर 10 और 5 होता तो ये 10 और 5 पैरेलल में आ जाते, ये 10 और 6 होता है 10 और 6 पैरेलल में आ जाते। ये 10 और 10 एक दूसरे को जंक्शन की जगह ये लगा दिया, ये 10 और 10 आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो ये किस में आ गए, बोला ये आपके आ गए पैरेलल में, जो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा वो पैरेलल में आ जाएगा। ये 5 और ये 5 दोनों को एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो देखो ये 5 और आपका ये 5 दोनों आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ये आ गए पैरेलल में, क्लियर। इतने बाद अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आपका 2 ओम ही आना चाहिए, और 2 ओम इसका आंसर आ रहा है। कैसे आएगा, देखो 10 और 10 पैरेलल में 5, 10 और 10 पैरेलल में 5, ठीक है ना। अच्छा वन सेकेंड, ठीक है 5 5, ठीक है। देखो इन दोनों का जो रेजिस्टेंस होगी 5 हो जाएगी, इन दोनों की रेजिस्टेंस हो जाएगी 5 हो जाएगी, 5/10 हो जाएगा,
प्रीवियस क्वेश्चन वाला केस बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, टू ओम इसका आंसर आने वाला है। तो कैसे भी कर लो, चाहे आप फोल्डिंग लगाओ चाहे आप मिरर लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें अब तो नहीं बोलोगे ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं बहुत सिंपल सा, जिसको हम क्या बोलेंगे, यही वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बोला सर ये तो अपने आप पहले सॉल्व हो गया ना। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपको कैसे दिया था, ये दिया था, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना कि ये क्वेश्चन आपको मिला था, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, बस जंक्शन को हटा देना है, बस जंक्शन को हटा दो, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब देखना ध्यान से, मैंने कहा आपसे कि यहां से ये ए है ये बी है, आप खुद सोचो कौन सा जंक्शन को जीरो करना चाहिए अपन को, कौन से जंक्शन को। मैंने कहा कि सर आपने बता दिया हमें इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, तो हम कर देंगे। जैसे मान लो खुद से लॉजिक लगाओ ना कि यहां से आई वन करेंट जाता, यहां से आई टू जाता और यहां से आई थ्री जाता, ठीक है। आई वन पूरा करंट यहां पे पहुंचना है, आई टू पूरा करंट यहां पहुंचना है, ठीक है ना, और आई थ्री पूरा यहां पहुंचना है, ठीक है। तो आई थ्री तो सीधा आ रहा था तो उसको सीधा पहुंचना पड़ेगा, आई थ्री में कोई गड़बड़ नहीं। आई टू यहां से कुछ भी कर ले, लेकिन यहां पे आई टू पहुंचना है, तो इसका मतलब क्या है कि आई थ्री सीधा जाना है, तो आई थ्री सीधा जाना है। अगर ये जुड़ा होता तो आई थ्री कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता, ये डिस्टर्ब हो जाता, अब आप इसको आराम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। आप निकाल दो, अगर ये आर है, 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 ये भी आर 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 आर, क्लियर है बात ना। अब इसको समझने की कोशिश करो एक बार। मैंने कहा ये आर, ये बना दिया मैंने आर, ये अगर आर है ना तो मैंने ये बना दिया आर। इसके बाद इसके नीचे देखो, इसके नीचे, इस आर के नीचे दो रेजिस्टेंसेज हैं जो कि सीरीज में है, तो मैंने क्या किया, इस आर के नीचे दो रेजिस्टेंसेज हैं जो कि सीरीज में है, तो मैंने आर और आर सीरीज में, तो मैंने इसको लिख दिया 2R। अब देखो ये लगा दिया मैंने, इसके बाद यहां से ये देखो 2R कनेक्ट हुई यहां पे, यहां से मैंने तीसरी रेजिस्टेंस लगाई जो कि हो गई अपनी आर, क्लियर है, जो कि हो गई अपनी आर, ये तीसरा रेजिस्टेंस आर, ये पॉइंट हो गया अभी, ठीक है। इसके बाद ये नीचे देखो एक लाइन जा रही है जो कि किससे कनेक्ट है, तीनों एक ही से कनेक्ट है ना, तो देखो ये आर, ये आर और ये आर, ये दोनों सीरीज में आर, तो मैंने इन दोनों क्या लिख दिया, इन दोनों को लिख दिया मैंने 2R, 2R लिख दिया, तो मैंने इन दोनों को 2R लिख दिया कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है ना। इसके बाद तीसरी रेजिस्टेंस देखो, ये देखो ऊपर वाले की जस्ट कॉपी है नीचे, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ये अपना आर और ये एक और आर, इसके ऊपर ये 2R, इसके बाद एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे और ये अपना आर। अच्छा देखो ये तीनों एक ही टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इसका नाम लिख के मैंने ए रख दिया और इसका रख दिया बी, क्लियर है। अब ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा कि ये आर, ये आर और ये 2R पैरेलल में, ठीक है। आर और 2R का अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालता हूँ तो मेरा 2R अपॉन 3 आता है, कितना आता है 2R अपॉन 3, बार बार करके देख लेना कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक रेजिस्टेंस आर हो गई, इन दोनों का निकालूंगा कितना हो जाएगा 2R अपॉन 3, तो मैं लिख दिया यहाँ पे 2R अपॉन 3, कर लोगे। चलिए इसके बाद ये कितना हो जाएगा आर, इसके नीचे कितना है बोला 2R, क्लियर है 2R, तो 2R लगा दिया, ये हो गया। इसके बाद नीचे वाली जो उसका है वही इसका है, ठीक है। तो ऊपर वाले का ये R, फिर यहाँ पे 2R by 3 और यहाँ से फिर ये हो गया R और ये हो गया इतना, क्लियर है। तो यहाँ पे ये हो गया A, ये हो गया अपने पास B, ठीक है। अब देखो इन तीनों को सॉल्व करना, सॉल्व करना बहुत आसान होगा, अगर आप अब ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकाल दोगे तो निकाल देंगे बोला 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। बोला 1/R1 वगैरह करोगे तो ये 8/, अच्छा 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 ठीक है। देखो इसका और बता दें आपको कि अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे, बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको खुद ही पता पड़ जाएगा, बोला R R R 2R/3 का जो कॉम्बिनेशन आएगा सीरीज में 8R/3 आएगा। बोला कैसे, यहाँ पे देखो R प्लस 2R/3 प्लस R, इन तीनों को निकालोगे तो LCM आ गया 3, सीरीज में है तो तीनों ऐड हो जाएंगे ना, पहले हमने इसका इक्विवेलेंट निकाल दिया, कितना हो जाएगा बोला 3R प्लस 2R प्लस R, तो आंसर कितना आ गया बोला 8R/3। आराम से इसको सॉल्व करना और ये वैल्यू बार बार आपको यूज होगी, तो हमेशा याद रखने की बोला R2R का रेजिस्टेंस कितना बोला 2R/3, ठीक है। इसी तरह से RR2R का कितना हो जाएगा आपका 8R/3, ठीक है 2R/3 का, ठीक है। तो ऊपर वाले की रेजिस्टेंस कितनी आ गई, ऊपर वाले की रेजिस्टेंस और बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, कितनी हो गई 8R/3, 8R/3, बीच वाले की 2R और फिर नीचे वाले की 8R/3, है ना। इसका मतलब है कि ऊपर वाले की रेजिस्टेंस के बराबर ही नीचे वाले की रेजिस्टेंस है, और ऐसे होता है, इंसान में भी भगवान के बराबर शक्तियाँ हैं, है ना, ठीक है भाई, एक मंत्र से स्वाहा कर देंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो 8R/3 2R और ये 8R/3,
इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको कितना आएगा, फिर से 1/r1, 1/r2, 1/r3 लगाना तो आपको समझ में आएगा। ये आप इसको करो मतलब 1/r इज इक्वल टू, आप 1/r1 करोगे तो 3/8r हो जाएगा, इसी तरह से 1/r2 करोगे तो 1/2r हो जाएगा, प्लस 1/दैट मीन्स ये 3/8r हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 8r, क्लियर। ये आपका 3 + 4r, 4 प्लस आपका जो है ना 3, तो 1/r इज इक्वल टू आ गया आपके पास 10/336 410 और 10/8r। तो इसका मतलब है कि इसको 1/r को r करूँगा तो आंसर आ जाएगा मेरा r इज इक्वल टू 8r/10। तो यहाँ से मेरे सामने जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.8r। अब देखो इसमें क्या करना है, ना तो हमने इसमें सिमेट्री लगाई कोई भी और ना ही फोल्डिंग में दिमाग लगाया, सब कुछ अपना बहुत आसानी से हो गया। फोल्डिंग भी करते तो आराम से हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इतना हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो कि बहुत आसान होगा, बस थोड़ा सा जो है ना स्ट्रक्चर और बदलेंगे, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद जो है ना आप सारे क्वेश्चन इसके आसानी से दिमाग लगाते हुए कर सकते हो। अब देखो सर्किट्स को जो है ना जितना कॉम्प्लेक्स बनाना उतना कॉम्प्लेक्स आसानी से बनाया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको डिकोड भी उतना ही आसानी से किया जा सकता है। बस आपको जो है ना उसको बहुत केयरफुली नहीं, पेशेंस के साथ, हड़बड़ाना नहीं है, बिना हड़बड़ाए हुए, बिना परेशान हुए उसको एक बार आप पढ़ोगे सोचोगे तो आपको चीज़ें दिखने लगेंगी, ठीक है ना। दोनों मेथड आपको बताए हुए, आप समझ जाओगे। मान लो एक कंडीशन आपको इस तरह से बना के दे दी गई, हाँ जी, इसको एक 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 बार ऐसे देखते हैं कि लेट से आपको कंडीशन इस तरह से बना दी गई, ओके अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं कि इन क्वेश्चन को करके देखते हैं, ये भी करेंगे, सारे करेंगे। अब आपसे 5-7 मिनट के अंदर ये सारे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 मिनट, ठीक है ना। पहले इसको करते हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट से चीज़ों को समझने की कोशिश करना, अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं तब भी मुझे समझ में आता है कि ये यहाँ पे जंक्शन है ना, ये है ही नहीं, ये जंक्शन है ही नहीं यहाँ पे, क्लियर है, ये जंक्शन है ही नहीं। मुझे इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद अपने आप समझ में आता है। लेकिन अगर मैं मिरर सिमेट्री लगा दूं तो मिरर सिमेट्री जैसे दिमाग में आएगा वैसे ही आप सारी चीज खत्म कर दोगे। लेट से मैंने कहा कि ये रहा मेरे पास ए और बी, ठीक है। अब आप खुद सोचोगे मिरर सिमेट्री कैसे लगी, टर्मिनल ये है, परपेंडिकुलर उसके ये, क्लियर है। तो अब देखो जहां पर आपने मिरर सिमेट्री लगा दी मित्रों, वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे देखो वो वाली एक्सिस में तो रेजिस्टेंस जीरो ही होगी ना, वाली रेजिस्टेंस की, वो वाली एक्सिस की दैट मीन मिरर एक्सिस पर जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये तो है ही नहीं सर्किट के अंदर, ये तो हमें बेवड़ा बनाने के लिए दिखाई गई है, ये हमें बावला बनाने के लिए दिखाई गई है, बात समझ गए। तो ये रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। अब अपना सारा काम हो गया, देखो यहाँ से लेट से सबकी वैल्यू अगर आर 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 मान लें तो खत्म है, बात समझ गए ना। तो देखो सिंपल सी बात है, ये अपना I1 करंट अगर गया तो सीरीज में तो ये आपका हो गया 2R, R और R 2R, ये देखो R और R ये सीरीज में तो ये भी हो गया आपका कितना 2R, अब देखो ये R पूरा सीरीज में तो ये भी हो गया अपना R, क्लियर है। अब देखो तीनों एक ही टर्मिनल से कनेक्ट हैं, ये किससे, A और B से, ठीक है ना, बना देना ये ये ये, ठीक है। अब आप निकाल दोगे 2R और R का रेजिस्टेंस निकाल दोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, निकाल दोगे ना, ठीक है ना, कैसे निकल जाओ, 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R, क्लियर है। एलसीएम आ गया आपका 2R, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 + 2, ठीक है, 1/r चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका 1/r इज इक्वल टू 4/2r, तो आंसर आ गया अपना 2/r। इसका मतलब है कि 2/r, इसका मतलब है कि r की वैल्यू हो गई r/2, इसका मतलब आप समझ गए कि जो r की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.5r। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्या इतनी बात समझ में आती है, अगर आती है तो बताना जरूर, क्लियर है। इसको हटा दें, अच्छा देखो इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन को कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको फिर से इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं दिया, क्लियर है। मतलब यहाँ पर आपको कोई भी एक्सेस नहीं लगानी, सिंपल लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगाना है कि सिंपल सी बात देखो ना कि अगर मैंने यहाँ से आपसे कह दिया कि ए बी के क्रॉस निकाल दो, ठीक है, ये लगा दी मैंने बैटरी, मेरा लॉजिक क्या कहता है कि यहाँ से I1 करंट गया उसको यहाँ पे जाना है, I1 ही हो गया,
ठीक है। अब देखो यहां से I2 करंट गया, ये देखो यहां से बट जाएगा, यहां से I3 गया, उन सबको यहीं पे आना है, क्लियर है। तो क्यों ना अगर अपन उसको ऐसे देख लें कि ये देखो ये दोनों किसमें है, बोला पैरेलल में, ठीक है, ये दोनों किसमें है, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों किसमें है, ये दोनों पैरेलल में। तो अगर मैं इसकी सिंप्लीफाइड सर्किट बनाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे सिंपल सी बात इतना सा काम करना पड़ेगा कि जो जो पैरेलल में उनको आधा कर दूं। जैसे मान लो ये आर और आर पैरेलल में, तो इनकी जगह लिख देता हूं आर बाई टू, ये आर और आर पैरेलल में, तो ये हो गया आर बाई टू, इसके बाद ये आर और आर बाई टू पैरेलल में, तो ये हो गया अपने पास कितना आर बाई टू, क्लियर की बात, बस हो गया खत्म। ये देखो आर आर आर, ये आर बाई टू, आर 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 बाई टू, आर आर पैरल में आर बाई टू, ये लगा दी बैटरी, इन दोनों के क्रॉस निकालना है, ठीक है ना, तो बस खत्म हो गया। अब देखो ये दोनों सीरीज में, तो ये हो गया अपना आर, ये है अपना आर बाई टू पैरल में है, निकाल दो, ये आपका कितना हो जाएगा भाई, ये आपका आर बाई टू और ये आपका आर पैरल कॉम्बिनेशन में निकाल देना, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आर बाई टू, आर बाई टू दैट मीन्स टू अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर, यहाँ से हो जाएगा ये आर प्लस ये हो जाएगा अपना थ्री, ठीक है ना। चलिए भाई, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, वन अपॉन आर दैट मीन्स आर इज इक्वल टू आ गया आपका आर बाई थ्री आंसर, क्लियर है, ठीक है। कैलकुलेशन और देख लेना, तो यहाँ से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मान लो कि मिरर सिमेट्री अगर हमें दे दिया गया तो कैसे बनेगा, अगर हमें यहाँ पे सिमेट्री लगाने की जरूरत पड़ी तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज देखो, ये तो सिंपल था, इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन में चेंज और आता है, वो इसको समझ लो। देखो क्वेश्चंस वही हैं, क्वेश्चंस वही हैं, बार बार अलग अलग तरीके से पूछ ले जाते हैं, ठीक है ना। देखो अब अगर इसको लगा दिया तो इसको लगा दिया तो कैसे करेंगे इसको, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, मैं फिर से क्या लगाऊंगा, मिरर सिमेट्री लगा दूंगा, और अगर मैं फिर से मिरर सिमेट्री लगा दूंगा तो मिरर के नाम से ये स्वाहा हो जाएगी रेजिस्टेंस, ठीक है ना, क्योंकि ये मिरर एक्सेस पे आएगी, मिरर एक्सेस पे आने वाली सारी की सारी भस्म, जीरो, ठीक है। तो देखो यहां से इसको हटा दिया, अब देखो सेम क्वेश्चन हो गया जिसको मुझे करने की जरूरत नहीं, आंसर कितना आर बाय थ्री, क्लियर इतनी बात, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, इस सर्कुलर को देख लो, इस सर्कुलर वाले को, ठीक है ना, देखो ध्यान से, इस सर्कुलर वाले को देखने से पहले इसको देख लेते हैं, ये और सिंपल सा है, इसको खत्म करते हैं पहले, ठीक है। देखो ये रहा अपना ए और ये रहा अपना बी, ठीक है, अब मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, बड़ी दिक्कत होती है कोई सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालने में, ठीक है ना। देखो यहां से देखो, अगर मैंने कहा कि कौन कौन आपको उसमें दिखाई दे रहा है, तो मुझे तो सिंपल सी बात समझ में आती है कि जहां पे उठा दूं मिरर एक्सिस वहीं पे वो वाली एक्सिस की क्या हो जाएगी, जीरो, जहां पे लगा दी मिरर एक्सिस वो वाली एक्सिस तो अपने आप ही जीरो हो गई, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मैंने लगाई मिरर एक्सिस, मैं लगाई मिरर एक्सिस, तो मिरर एक्सिस लगाते ही ये तो अपना जीरो हो गया, ठीक है। इसके बाद क्योंकि मैंने मिरर लगाया ना, तो मुझे पता है कि अगर इसमें आई टू करेंट फ्लो हो रहा है, इसमें आई वन हो रहा है, या सिंपल सी बात कहूं कि अगर मैंने मिरर लगा दिया तो अगर इसमें आई टू फ्लो हो रहा है तो आई टू इसमें भी जाएगा, इसमें आई थ्री फ्लो हो रहा है तो आई थ्री इसमें भी जाएगा। अरे जब आई टू को आई टू पहुंच गया, आई थ्री का आई थ्री पहुंच गया बिना डिस्टर्ब हुए, तो इसका मतलब क्या कि ये जो दिख रहा है ना ये बेवकूफ बना रहा है हमें, खत्म, समझ गए ना। अब देखो किस तरह से हो जाएगा, ये देखो ये दोनों में सेम करंट, इन दोनों में सेम करंट, तो इसका मतलब क्या, ये आर और ये आर आर सीरीज में, ये आर आर सीरीज में, तो क्यों ना ये ऐसा हो जाएगा आर आर सीरीज में, यानी कि टू आर, ये आर आर सीरीज में दैट मीन्स टू आर, ठीक है, ये आर आर सीरीज में टू आर, ये आर आर सीरीज में टू आर, कितना हो गया आंसर, देखो आंसर कितना हो गया, ये हो गया आपका अपना 0.5 R, है ना, निकाल दोगे इसका, निकाल दोगे, देखो टू आर का पैरेलल आर हो जाएगा, टू आर का पैरेलल आर हो जाएगा, उन दोनों का पैरेलल 0.5 R कितना हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 R आंसर हो जाएगा। कर देंगे अपन इसको लास्ट, लास्ट करते हैं लास्ट, देखो लास्ट लास्ट, ठीक है ना, ये अब तो सारी चीजें आसान हो रही हैं, अब तो आप इसको 1 मिनट के अंदर कर सकते हो ना, कर दोगे ना इसको 1 मिनट के अंदर, देखो कितना टाइम लग रहा है, 30 सेकंड के अंदर कर दोगे, हाँ जी कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर कैलकुलेशन ज्यादा जाती तो कैलकुलेशन में अपना थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्लियर है ना। आर आर ये रहा आर 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 आर, ठीक है। देखो अब करना है इस क्वेश्चन में, मैं ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालनी है, तो लेट से ये अपना पॉजिटिव हो गया
और ये अपना पॉजिटिव हो गया और ये अपना नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ना एकदम कॉमन सेंस हो जाएगा, इसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना, ये क्वेश्चन एकदम कॉमन सेंस हो जाएगा। जैसे जैसे मान लो मैंने कहा आपसे कि यहाँ से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सारी रेजिस्टेंसेस अपनी आर आर आ रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से अगर मैं ऐसा बोलूँ कि यहाँ से करंट अगर आई वन गया, कितना गया आई वन, ठीक है, और यहाँ से गया आई टू, करंट को शॉर्टेस्ट पाथ पसंद है। जैसे मान लो यहाँ से करंट I1 गया, यहाँ से करंट गया I2, तो ये पूरा करंट कहाँ जाएगा, बोले यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा, अच्छा देखो मिरर सिमेट्री, देखो मिरर सिमेट्री, तो मिरर सिमेट्री से मुझे क्या समझ में आता है कि अगर यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे गया I1, यहाँ पे गया I2 और यहाँ पे गया I3, तो यहाँ पे भी मुझे क्या दिखना चाहिए, यहाँ पे भी मुझे दिखना चाहिए I3। दैट मीन्स अगर I3 करंट यहाँ से गया तो कोई भी करंट जैसे मान लो I3 का कुछ पोर्शन यहाँ से यहाँ नहीं जाना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? तो देखो सिंपल सी बात ये कहती है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, खुद से सोचो कि करंट हमेशा नेगेटिव की साइड जाने की कोशिश करेगा। क्लियर है कि I2 यहां से गया, I2 यहां से गया तो I2 तो यहां से यहां चला जाएगा, लेकिन I3 यहां से गया उसके पास दो रास्ते होंगे, बोला उसके पास एक रास्ता ये होगा तो वो नीचे ना चला जाए। क्लियर है? इसका मतलब है कि यहां पर एक जंक्शन नहीं है। समझ गए? तो बात समझने की कोशिश करो कि हमारे पास जो क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, इसमें एक जंक्शन हमें फॉल्स जंक्शन दिखाई दे रहा है। बोला कौन सा, कि देखो इसको एक बार यहाँ से एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, देखो इसमें जो जंक्शन हमें ये दिखाई दे रहा है, ये वाला जंक्शन जो है ना ये फॉल्स जंक्शन है। दैट मीन्स ये जंक्शन है ही नहीं, बस हमें कुछ परेशान करने के लिए जंक्शन दिखाया जा रहा है। ठीक है ना, ये जंक्शन नहीं है, ये जंक्शन नहीं है। ठीक है, चलो ये जंक्शन नहीं है। क्लियर है? क्योंकि अगर ये जंक्शन होगा तो फिर ये करंट जो है ना यहाँ चला जाएगा नेगेटिव की साइड, जबकि ये करंट जो है ना यहाँ पे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर गया गया तो I3 करंट फिर यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब देखो अब तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। क्लियर है इतनी बात? तो देखो सिंपल सी बात क्या करेंगे, सिंपल सी बात कुछ नहीं करना, ये आपका आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, आर आर आर। क्लियर है? नाउ अब देखो क्या करना है, अब तो ऐड हो जाएगा आराम से, कि ये आपका देखो सिंपल सा ये आर आर टू आर और ये, तो देखो इसको हम किस तरह ड्रॉ करेंगे। लेट्स से ये रहा अपना आर, तो ये मैंने बना दिया आर। ठीक है, अब देखो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा कितना हो जाएगा, टू आर। ठीक है, और ये रहा आर, तो मतलब ये टू आर ये आर पैरेलल में, तो हमने कई बार कर चुके हैं इसी वीडियो में कि कितना हो जाएगा, टू आर बाय थ्री, टू आर बाई थ्री, ये अपना आर है और ये क्या है आर, ये देखो ये किस में है, बोला ये सीरीज में है ये आर। ठीक है, इसके बाद दूसरी लाइन देखो ये वाली, ये वाली। ठीक है, तो आर टू आर बाई थ्री और ये आर। नाउ इसके बाद देखो ये अपना पॉइंट अगर ए है, यहाँ से देखो ए, ये क्या है, बोला ये आर आर सीरीज में, तो ये हमने बना दिया टू आर सीरीज में। नाउ इसके बाद एक और चीज़ है, ए और बी के बीच में जो है आर, तो हमने इसको बना दिया आर। ठीक है, नाउ अब इन तीनों का निकाल दो कॉम्बिनेशन, तीनों कॉम्बिनेशन निकाल दो। अब आप निकाल सकते हो कि आर प्लस टू आर बाय थ्री प्लस आर, ठीक है ना, आर प्लस टू आर बाय थ्री प्लस आर, ये तीनों सीरीज में है, तो आर प्लस टू आर बाय थ्री प्लस आर, कई बार कर चुके हैं इसी वीडियो के अंदर, कितना हो जाएगा थ्री, थ्री आर प्लस टू आर प्लस थ्री आर, इसका मतलब एट आर बाय थ्री अपना आंसर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इन तीनों की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, इन तीनों की जगह मैं कितना लिख सकता, कितना हो जाएगा 8R/15। तो बस कॉमन सेंस की बात है, छोटी छोटी चीजों को प्रैक्टिस करना है और इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। बात समझ पा रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि कमेंट करके मुझे बताओ कि आज की वीडियो आपके लिए कैसी रही, कमेंट करना है। आप में से काफी सारे लोग मुझे व्हाट्सएप करके तो बोल रहे हैं, एक बार वीडियो में के नीचे भी बताओ कि किस तरह की वीडियो का आपका एक्सपीरियंस रहा, ताकि जो और भी स्टूडेंट आते हैं उनको पता पड़े और थोड़ा सा जो है ना चीज़ें अच्छे से कंटिन्यू हो पाए। ठीक है ना, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट, आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत जल्दी इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है ना, हो सकता है कि जब तक आप इस वीडियो को देखो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट पीछे चल रहे हैं, तब तक ये चैप्टर खत्म हो चुका हो। ठीक है ना, चलिए तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स।